प्रोग्राम दे विच जिहड़ा आपां अज टॉपिक चुनिया है, इस टॉपिक नूं दो लैवल तों लवांगे। अज तक ये टॉपिक शायद ही किसे विरले वांझे बंदे दे दिमाग दे विच आया होवे। पंजाब दे विच दो तरह के बुद्धिजीवी हन। पहला आओ देखते हाँ कि एक तरह के बुद्धिजीवी इस टॉपिक बारे की सोचते ने। वह टॉपिक यह आ कि पंजाब दे विच बड़ी वड्डी गिणती दे विच गुरु डेरे बाबे संप्रदावां खुल रहे ने अते लोग भेड़ां बकरियां दे वांगू उन्हां डेरियां संप्रदावां दी भीड़ विच वाधा कर रहे ने। वह चिंतित हैं कि इन्ने डेरे बाबे लोगों नूं लै बैणगे। ठीक है, ये एक लैवल तक उन्हां दी जिहड़ी गलबात है ये बिल्कुल सही लैवल तक ही आ। पर आओ देखिए कि दूसरे लैवल दे बुद्धिजीवी इस टॉपिक दे बारे की कहिंदे ने। बुद्धिजीवी समाज मानता कि जिहड़ा भी मनुख किसी भी दुनियावी धर्म नूं मानता वह बीमार है, वह मानसिक तौर पर बीमार आ। तो बीमार आदमी डॉक्टर की दवाई तो बिना जिंदा नहीं रह सकता। होया कि मान लो कि कोई एक आदमी किसी एक धर्म नूं मानता तो यह गल साबित है कि वह मानसिक तौर के उपर कमज़ोर है, तो उसकी मानसिकता नूं बल देने दे लई उन्हूं धर्म की लोड़ पई। हुण की होया कि उहदियां समस्यावां इन्नियां वध गईयां कि उन्हूं लगा कि मेरिया समस्यावां दा हल मेरा धर्म नहीं कर पा रहा, तो उन्हूं यह लगा कि कितें हुण होर डेरा जां होर बाबा कोई मेरिया समस्यावां दा हल कर देवेगा। तो जिस तरह एक बीमार आदमी दवाई लेंद्या लेंद्या कई वारी डॉक्टर बदल लैंदा, उवें ही यह बीमार मानसिकता वाले लोग डेरे बाबे बदलते रहिंदे ने। उह इह कहिंदा कि इन्हां नूं ज्यों जिंदा रहण दे लई किसी ना किसी चीज़ नूं फड़ के रखना पैंदा। मन लो कि यह किसी चीज़ नूं चुंबड़े होए ने, जे इन्हां नूं तुसीं तोड़ के छड्ड दिओगे तां इह मर जाणगे। इन्हां नूं इधरों तोड़ के ते इधर जोड़ना ही पैना। हुण जेकर इन्हां नूं आज़ाद करना आ तां जिद्दन इह सच्ची मुची ज्ञानवान हो जाणगे, जिस दिन सच्ची मुची गुरु वाले बन जाणगे, तां इह अपने आप आज़ाद हो जाणगे। मन लो कि किसी परिवार के जी बहुत ज़्यादा शराब पीते ने, तो वह किसी डेरे बाबे दे करके शराब पीनों हट गए तो उन्हां दा परिवार बच गया। बुद्धिजीवी कहिंदे हन कि जिंदगी पहला वा, धर्म ते कर्म बाद विच आउंदे ने। हुण जेकर ये लोग बीमार ने, इन्हां नूं दवाई की लोड़ पैनी पैनी आ, तो फिर इन्हां नूं कोई ना कोई दवाई मिलती रहनी चाहिए आ, क्योंकि पहला बंदा बचेगा, धर्म कर्म बाद च बचणगे।